जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, अब दोपहर के बज गए हैं 2, तो सारा काम हो गया था, 1 घंटा आराम भी कर लिया था। तो मैं लग गई थी मम्मी के साथ जोई तोड़वाने, जो कि मम्मी आए साल तोड़ती हैं, और जितना भी मेरे से बनता तो मैं भी हाथ लगवा देती हूँ, तोड़वा देती हूँ, क्योंकि अकेला इंसान भाई बैठा बैठा बोर भी हो जाता है, तो दूसरा साथ में लग जाता है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और जल्दी टूट भी जाते हैं। तो मैं मम्मी अपना हंसी मजाक करते करते तोड़ रही हैं और खुशी बना रही है हमारी वीडियो। कोई नहीं, एक थी, आप ही लोग अभी साफ है, बस एक थी, उससे मेरी लड़ाई हुई थी आखिरी के टाइम में, जाके बात हुई थी उससे भी। हाँ, गर्मी हो रही थी, मैं तो ध्यान पंखे में था। 5-6 बार गई मैम के पास, कहीं 10:30 बजे के बाद पंखा बंद हो गया था, खराब हो गया चलते चलते बंद। चार पांच बार गई, ही ठीक है मैं बोलती हूँ, ही ठीक है मैं बोलती हूँ, कुछ किया नहीं। सोफे का चेक कर देना, मैं घुटने मारूंगी, जल्दी कर, उठाई नहीं। मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ, ऐसे करती रही, जल्दी कर। ये वो सोफे का उठा दे, लगा दे, दिखा दे। मेरे को 10 का दो। बिल्ली को दुकान पे कोच लेमन जूस है, अब अंधेरा हो गया। तो जी देखिए, मम्मी और मैं जैसे भाई रोज दोए तोड़ते हैं, तो मम्मी धूप निकलती गली में तो धूप में सुखा देती ताकि करारे हो जाए, तब मम्मी इनको भूनेगी तो अच्छे से भुन जाएंगे। तो ये हमारी पूरी गली का सीन है और यहाँ पे हम दोए तोड़ रहे हैं। तो जी हम जोई तोड़ रहे थे, जब उसके पापा आ गए ड्यूटी से, तो उन्होंने बोल दिया मेरे लिए अभी जोई बनाओ, तो पहले के थोड़े हुए रखे थे भुने हुए, तो मैं इन्हीं से जोई बना रही हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा दूध चढ़ा दिया, क्योंकि मम्मी और वासु और उसके पापा ही खाएंगे, मैं और खुशी। तो आज है व्रत हमारा, मेरा और खुशी का फास्ट है आज का, तो इसलिए थोड़े से ही बनाऊँगी भाई। और अम्मी मैंने दूध चढ़ा दिया है उबलने के लिए, और थोड़े से जोए निकाल लिए, क्योंकि थोड़ा दूध है, थोड़े ही बनाने हैं मेरे को इसलिए। तो जी मैंने निकाल लिए डब्बे में से जोए, क्योंकि ये पिछले साल के टूटे हुए रखे थे हमारे, मैंने सर्दियों में बहुत कम बनाए थे अब की बार। तो इधर खुशी खड़ी थी रसोई में मेरे साथ, और ऐसे हम दोनों खड़े थे, तो जब तक दूध उबल रहा था तो खुशी अपना भाई मटर गस्ती करी, जैसे जोए में आग निकालती डाल रही थी, और मैं इंतज़ार में थी कब दूध उबले, और भाई दूध में जो डालने मेरे को। तो जी फाइनली दूध मेरा उबलने वाला है, और जब दूध पूरा खोल जाएगा तब जो डालने मेरे को। ठंडे दूध में नहीं डालते, क्योंकि बोलते हैं कि वो अजीब सा हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसको जब दूध पूरा उबल जाता ना, खोल के ऊपर आता, तब जो को डालते हैं, ताकि खूब अच्छे से खिलके वारा खिलके जो निकले। तो जी देखिए, अभी दूध उबला नहीं है, और गर्मी इतनी है कि रसोई में खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मन भी नहीं कर रहा यहाँ पे खड़े होने का। तो देखिए दूध मेरा उबल गया है, तो अब मैं जोए डाल देती हूँ, कम से कम 15-20 मिनट में जोए उबल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनने में, बिल्कुल 15-20 मिनट में ही सारा सब्जी बन के रेडी हो जाती है हमारे की। तो इधर मैंने आलू धो दिए हैं, क्योंकि मेरे को वही आज है हमारा फास्ट, तो आलू से हमें अपनी वही सब्जी बनानी है, और जो बनाऊंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। तो जी देखिए, इधर मेरे दोए पूरे उबलने लग रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें से मम्मी के लिए निकालूंगी फीकी वाली, क्योंकि भाई मम्मी को चीनी खानी नहीं है। तो इधर मैंने
लहसुन प्याज का जो नहीं बनता उसमें जैसे दिन कितने बच्चों में जरूर भूख लगाती हूँ। मुझे देखिए ये मेरी बन गई है जुए वाली खीर और इधर मेरे आलू भी उबल गए हैं तो दोनों का मिक्स हाथ हो गए हैं मेरे। तो जी अब बज गए हैं शाम के 4, तो अब मैं बनाऊंगी खाना। तो देखिए ये है सामने के बिल्कुल छोटी कटोरी लिया है मैंने, इसको मैं पानी भिगो के इधर साइड में रख देती हूँ। और इधर मैंने छोटा फ्राई पैन चढ़ा दिया, कुकर चढ़ा दिया, कुकर मैंने गैस पे चढ़ाया क्योंकि मैंने अभी धोया तो इसलिए सूख जाएगा तब तक। इधर मैं टमाटर काट रही हूँ, मिर्ची मैं डालूंगी नहीं किसी भी चीज़ में क्योंकि खुशी मिर्ची खाती नहीं है, मैं हरी मिर्ची वैसे ले लूँगी अपने भाई खाने के साथ में, इसलिए भाई अगर मिर्ची डाल दी अगर उसको बेचारे का फास्ट भी अब खाएगी मेरे फिर क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने मिर्ची अवॉइड की है। तो इधर भाई देसी घी यानी मैंने घी चढ़ा दिया है फ्राई पैन में और कुकर में, तो दोनों काम एक साथ करूँ क्योंकि ये दो ही चीज़ मेरे को बनानी है आज और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो मैंने जीरा डाल दिया है दोनों में। इधर इधर भाई इधर मैं आलू तोड़ लेती हूँ जो मैंने दिन में आलू उबाले थे आपके सामने। तो जीरा मेरा हो गया है तो इधर मैंने दोनों में टमाटर डाल दिए हैं तो ये पका दूंगी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूंगी इनके बीच में ताकि जल्दी गल जाएंगे। इसलिए तो आज मैं बनाऊंगी आलू का चोखा और इधर बनेंगे मेरे सामने के बिल्कुल पतले पतले। और सामने के बनने में ओनली 5 या 6 मिनट लगते हैं क्योंकि 2 सीटी के अंदर ही बन जाते हैं और मैं ज़्यादा पानी डाल के बनाती हूँ, बिल्कुल पतले वाले बनाती हूँ, गाढ़े वाले अच्छे लगते हैं सामने के। तो जी दोनों में मैंने डाल दिया नमक और धनिया पाउडर, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं डलेगा। तो इनको मैं यहाँ पे भून लेती हूँ टमाटर को अच्छे से। बोलते हैं कि हल्दी डालनी नहीं चाहिए, हल्दी होती है, हल्दी को बोलते हैं कि भाई अनाज होता है, तो इसलिए वही सामने की मेरे मैंने भिगो दी थी पहले ही तो ये फूल गए अच्छे से, तो मैंने इसके अंदर चढ़ा दिए हैं। और अब इसके अंदर डाल के पानी और 2 सीटी तक मैं इसको उबाल दे दूँगी बस और मेरे सामने के बन जाएंगे। इधर मेरे वही टमाटर भुन रहे हैं अच्छे से और आलू को मेरे को हाथ से ही फोड़ना है क्योंकि हाथ से तोड़े हुए आलू अच्छे लगते हैं मेरे को। तो देखिए ये आलू मैंने डाल दिए इसके अंदर और अब हाथ धो के इनको अच्छे से मैं मिला दूँगी और मेरी आलू का चोखा और इधर मेरे सामने के बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने डाल दी सूखी मेथी जो इसका अलग ही स्वाद होता है चोखे के अंदर। तो देखिए ये मेरे आलू बिल्कुल लगभग बन गए हैं, इनको अच्छे से मिला के 5 मिनट तक मेरे को इसको कवर करना है और मेरे ये बन के थाली बन के रेडी हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप की थाली है, खुशी की थाली है। पे और ये मेरी है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ।